चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स, ये भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। हमने पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन ली थी कि इकोनॉमिक्स का जनरली ह्यूमन बिहेवियर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो चेक किया जाता है ना, जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, वो है ह्यूमन बिहेवियर। और इकोनॉमिक को प्रेजेंट टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। हमने समझा था आगे के चैप्टर में भी कि पहले इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस की तरह समझा जाता था, उनके साथ ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स को एक पर्टिकुलर अलग साइंस की तरह माना जाता है। और अगर इकोनॉमिक्स को अलग साइंस की तरह माना गया है, इसका मतलब कि उसमें भी कोई पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस या तो फिर कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स ज़रूर होंगे। हमने जैसे 11th में अकाउंट में भी समझा था, कि अकाउंट आपका नया सब्जेक्ट है तो उसके लिए पहले कुछ टर्म्स सीखना ज़रूरी थे ना। अकाउंट के टर्म्स, उस डेफिनेशन हमने सीखी थी, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो वैसे ही अब इकोनॉमिक्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टर्म्स हम लोग समझे। ये चैप्टर में आपको नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअली नए कहे भी नहीं जा सकते, नाम तो वही पुराने हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के वे में उनके मीनिंग समझने हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट समझे तो वो आता है प्राइस एंड वैल्यू। नाम पढ़ के ही आपके माइंड में आ जाता है कि प्राइस और वैल्यू इसमें क्या है, ये तो दोनों सेम चीज़ें होती हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट ये दोनों वर्ड्स को सेम मीनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए कहोगे, बाहर अगर कोई ज्वेलरी की चीज़ें खरीदने जाओ तो आप उसके लिए ये भी कहोगे कि ये तो बहुत हाई प्राइस है ना, कि ये तो इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, या तो ऐसे भी कहोगे कि इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत वैल्यूएबल है। तो प्राइस वैल्यू हम लोग ऑलमोस्ट सेम वर्ड के लिए, सेम मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस और वैल्यू में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो समझने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले वैल्यू के बारे में समझें, पहले वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर प्राइस का। और वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर समझना हो ना, तो उसके लिए वैल्यू दो तरह से काउंट होती है, या तो यूज़ वैल्यू होती है या तो एक्सचेंज वैल्यू होती है। वैल्यू जनरली दो तरह से काउंट होती है, यूज़ वैल्यू या तो एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। यूज़ वैल्यू मतलब वो कहलाता है कि जिसमें कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन के लिए कितना यूज़फुल है, उसके लिए वो उसकी यूज़ वैल्यू कहलाती है। जो ऑब्जेक्ट कोई पर्सन के लिए कितना यूज़फुल होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, यूज़ वैल्यू। जैसे कि यूज़ वैल्यू में सबसे ज़्यादा यूज़ वैल्यू है फूड एंड वाटर की। बताओ फूड एंड वाटर की यूज़ वैल्यू है कि नहीं, ये सबके लिए यूज़फुल है, कोई भी उसके बिना चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यूज़ वैल्यू वो कहलाती है कि जो जो ऑब्जेक्ट, जो कॉमोडिटी किसी के लिए कितना यूज़फुल हुई, वो उसकी यूज़ वैल्यू। और एक्सचेंज वैल्यू वो कहलाती है कि जब कोई कॉमोडिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट आप दूसरों के साथ एक्सचेंज कर सको और सामने वाला भी वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो वो उसकी यूज़ एक्सचेंज वैल्यू कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो और सामने वाला वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, मतलब उसके बदले में आपको दूसरी कोई चीज़ देता हो, तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हुई। जैसे पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था, याद है ना, पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम होता था। तो उस बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसके बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिया जाता था। उस वक्त पैसे नहीं होते थे। जैसे अगर किसी को 1 kg वीट दिया है, अनाज दिया 1 kg, और उसके बदले में 100 ग्राम 200 ग्राम घी लिया, 200 ग्राम घी लिया है, तो इसका मतलब 1 kg वीट की एक्सचेंज वैल्यू 100 ग्राम या 200 ग्राम घी जितनी हुई। 1 kg वीट की एक्सचेंज वैल्यू वो 200 ग्राम घी जितनी हुई, ठीक है ना। तो इसे एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हो तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू बनती है।
अब यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू ये दोनों भी हमेशा सेम नहीं होंगे। कितनी सारी चीज़ें ऐसे होती है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन समझना यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के लिए। कहते हैं कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी यूज़ वैल्यू होती है लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, जिसकी यूज़ वैल्यू होती है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, ऐसी भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट की यूज़ वैल्यू कितनी है, सनलाइट की यूज़ वैल्यू कितनी है, तो सनलाइट की यूज़ वैल्यू बहुत है। कोई भी लिविंग थिंग, हम ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, सनलाइट के बिना चल सकता है नहीं ना। सनलाइट की यूज़ वैल्यू बहुत है लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू है नहीं है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। किसी को आप सनलाइट देकर सामने से सोना चांदी खरीद सकते हो, या इवन सोना चांदी तो छोड़ो, किसी को सनलाइट देकर उसके बदले में आप अनाज खरीद सकते हो, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। होते हैं ना काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी यूज़ वैल्यू होती है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती। लेकिन दूसरी बात कि जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है ना, तो उसकी यूज़ वैल्यू 100% होगी। जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती हो तो उसकी यूज़ वैल्यू ज़रूर होगी। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दूसरों के साथ एक्सचेंज करवाने जा रहे हो तो अगर सामने वाला वो चीज़ ले रहा है मतलब उसके लिए यूज़फुल तो है ही ना, उसकी यूज़ वैल्यू तो होगी ना। या आप सामने से अगर कोई चीज़ ले रहे हो, कोई चीज़ के बदले में एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ यूज़फुल होगी, तभी आप वो चीज़ लोगे ना। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी है और यूज़ वैल्यू भी है। समझ रहे हो, यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में ध्यान देना कि जिसकी यूज़ वैल्यू है ज़रूरी नहीं कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हो, लेकिन जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है तो उसकी यूज़ वैल्यू 100% होगी। सही बात है ना। और एक्सचेंज वैल्यू भी कैसे क्रिएट होती है, एक्सचेंज वैल्यू कोई भी चीज़ की डिमांड से क्रिएट होती है। जैसे जैसी चीज़ होगी उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी वैसी ही होगी। अगर आप कोई वीट जैसी चीज़ है, अनाज है, या कोई घर में कोई दूसरी यूज़फुल चीज़ें हैं, उसकी एक्सचेंज वैल्यू कम होगी है ना। आप वीट 1 केजी राइस ये अगर आप एक्सचेंज करवाने जा रहे हो तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू कम है, मतलब उसके एक्सचेंज में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप गोल्ड सिल्वर जैसे मेटल्स अगर आप एक्सचेंज करवाने जा रहे हो, गोल्ड को एक्सचेंज करवा रहे हो, तो गोल्ड के एक्सचेंज में आपको कितना कुछ मिल सकता है, तो इसका मतलब उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है ना। ठीक है ना, एक्सचेंज वैल्यू भी सबके लिए अलग अलग होती है और यूज़ वैल्यू भी हर किसी के लिए अलग अलग होती है। सो वैल्यू मतलब ये कहलाता है। अब वैल्यू की प्रॉपर डेफिनेशन समझे कि वैल्यू मीन्स ये कहलाता है द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी इन एक्सचेंज। तो वैल्यू मतलब कोई भी एक यूनिट, मतलब कोई भी एक चीज़ का एक्सचेंज करते वक्त तो उसके बदले में आपको कितनी दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, ये उसकी वैल्यू हुई। कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करते वक्त उनमें से दूसरी आपको कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, ये क्या कहलाता है, उसकी वैल्यू कहलाती है। और प्राइस मतलब, अब पहुँचे कि प्राइस किसे कहते हैं, तो प्राइस मतलब कहलाता है इफ़ अ कॉमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी देन सच अ मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। कि अगर कोई कॉमोडिटी, कोई ऑब्जेक्ट मनी के बदले में एक्सचेंज किया जा रहा हो ना, तो वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसे प्राइस कहते हैं, उसे प्राइस कहा जाता है। सो इतना कॉन्सेप्ट तो हमने समझा। आप सिंपल में एक लाइन में दोनों का मीनिंग समझ लें, प्राइस और वैल्यू। कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट के बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हो ना, तो वो उसकी वैल्यू कहलाती है। कि अगर आपने 1 किलो वीट देकर उसके सामने 200 ग्राम घी लिया, तो 1 किलो वीट की वैल्यू 200 ग्राम घी जितनी है। जब कोई एक चीज़ का कंपैरिजन या एक्सचेंज दूसरी चीज़ से किया जाता हो तो वो वैल्यू कहलाती है। लेकिन जब वही एक्सचेंज मनी के बदले में किया जाता हो, पैसों के बदले में कोई एक्सचेंज किया जाता हो, तो वो उसका प्राइस कहलाता है। मतलब अगर 1 केजी वीट
आपने 50 रुपये के बदले में खरीदा है, 1 kg वीट खरीदा, उसके बदले में आपने 50 रुपये दिए, तो ये उसकी प्राइस हुई, वैल्यू नहीं कहेंगे उसे। कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक लैंग्वेज में दोनों में ये फ़र्क आता है। जब आप 1 किलो वीट के बदले में 200 ग्राम घी अगर दोगे सामने से, तो ये उसकी वैल्यू कहलाई। लेकिन अगर 1 kg वीट के बदले में आप उसे सामने 50 रुपये दोगे, पैसे दोगे, मनी दोगे, तो वो उसकी प्राइस कहलाई। ठीक है, तो प्राइस और वैल्यू इन दोनों कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहे हैं ना। इस चैप्टर में हमें ये ऐसे कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं मैम। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वैसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट है समझे, जो कॉन्सेप्ट है गुड्स एंड सर्विस। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स किसे कहते हैं? कहते हैं कॉमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। जिन चीज़ों का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिन चीज़ों को हम लोग देख पाते हो, टच कर पाते हो, तो उसे गुड्स कहते हैं, वो सामान कहलाए गुड्स। एंड सर्विस किसे कहेंगे? तो कॉमोडिटीज विच आर इनटेंजिबल और डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड सर्विसेज। जो चीज़ें इनटेंजिबल है, मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें कहलाती हैं सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विस दोनों सेम चीज़ों के लिए, मतलब सेम पर्पस के लिए यूज़ होता है। गुड्स और सर्विस दोनों का यूज़ होता है हमारी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए। हमारी कोई भी नीड हो, हमारी कोई भी ज़रूरत हो, पता है ये ह्यूमन की नीड्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन कोई भी नीड को अगर सेटिस्फाइड करना हो, तो कोई गुड्स या कोई सर्विस की ज़रूरत होती है। कोई भी गुड्स एंड सर्विस, आपको भूख लगी है तो आपकी नीड है भाई, पेट भरना है, तो उसके लिए आपको गुड्स की ज़रूर होगी कि चलो खाना लाओ, कुछ भी खाने की चीज़ लाओ, तो जिससे आपकी नीड सेटिस्फाइड हो। आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूर है, तो वो नीड खरीदने के लिए मनी, वो भी एक तरह का गुड, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। या आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग मूवी देखोगे या और कुछ काम करोगे, तो ये कोई गुड्स नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके लिए सर्विस कहलाई, वो भी आपकी नीड सेटिस्फाई करती है। तो गुड्स और सर्विस दोनों का पर्पस एक ही है कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो गुड्स और सर्विस दोनों कहलाती हैं। लेकिन उनमें जो चीज़ें फिजिकल हो, जो चीज़ें टेंजिबल हो, जिसे देख पाते हो, तो वो गुड्स कहलाई, और जिन चीज़ों को देख नहीं पाते, जो इनटेंजिबल हैं, वो हमारे लिए सर्विस कहलाई। दोनों का भले काम सेम, हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करना, लेकिन दोनों में ये एक ही मेन डिफरेंस है कि गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम लोग देख पाते हैं, एंड सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे हमने गुड्स और सर्विस के बारे में समझा, तो हम इन गुड्स के टाइप्स देखें। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स के कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो हमने पहले समझा कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, इसके बारे में तो हमने समझा है कि टेंजिबल गुड्स मतलब वो कहते हैं कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम लोग देख पाते हो, टच कर पाते हो, जैसे कि बैट बॉल, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ये सब टेंजिबल कहलाए, जैसे हम लोग देख पाते हैं, वो सब टेंजिबल गुड्स। और इनटेंजिबल गुड्स कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसे हम लोग देख नहीं पाते, तो वो इनटेंजिबल गुड्स कहलाते हैं। तो एक्चुअली उसे इनटेंजिबल गुड्स नहीं, एक्चुअली उसे सर्विस कहते हैं। सही बात ना, एक्चुअली वो सर्विस कहलाए। जो इनटेंजिबल गुड्स हैं, जिन्हें हम लोग देख ही नहीं पाते, तो वो गुड्स नहीं, वो क्या कहलाए? सर्विस कहलाए। जैसे कि एजुकेशन, आपकी नॉलेज को सेटिस्फाइड करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, तो वो सर्विस हुई ना। मेडिकल कंसल्टेंसी, आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो, तो ये आपकी नीड के लिए ही है, लेकिन इनटेंजिबल, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी नीड को कंप्लीट करता है, ये सब सर्विस कहलाए। मेडिकल कंसल्टेंसी, या जैसे म्यूजिक, मूवीज़, कुकिंग करना, ये सब सर्विसेज हैं, यह कहते हैं इनटेंजिबल गुड्स हैं। ठीक है,
तो एक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक, ये तो नाम से भी पता चलता है कि नॉन इकोनॉमिक गुड्स किसे कहते हैं, कि जिस गुड्स की कोई एक्सचेंज वैल्यू ना हो, जैसे कोई चीज़ के बदले में या तो पैसों के बदले में एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स के जो जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं, जिसे कोई दूसरी चीज़ों के बदले में या पैसों के बदले में एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो नॉन इकोनॉमिक। ऐसी नॉन इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं ना, भले उनका सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, हर हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, हर कोई इजीली उसे कंज्यूम कर पाता है, लेकिन फिर भी उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, इसी वजह से वो नॉन इकोनॉमिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट एयर, तो इनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है, इसका प्रोडक्शन बहुत है, एयर है सनलाइट है, आपको जितनी चाहिए उतनी मिलती है, हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली कंज्यूम करता है, इजीली यूज करता है, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या, उसको कोई किसी के बदले में एक्सचेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक थिंग्स। या दूसरा आता है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स मतलब जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू हो, जिसको कोई दूसरी चीज़ों के बदले में या तो पैसों के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो, तो वो कहलाते हैं इकोनॉमिक गुड्स। कोई भी तरह की चीज़ें, भले आप इवन बंगार की चीज़ें भी जब बाहर देते हो, तो उन चीज़ों के बदले में आपको बंगार के कुछ पैसे तो मिलते हैं ना, तो वो भी आपके इकोनॉमिक गुड्स कहलाए, कि जिसके बदले में कोई दूसरी चीज़ें या पैसे मिलते हो। समझो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। ऐसे ही दूसरा एक टाइप आता है, वो आता है ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो कहलाते हैं कि जो गुड्स लॉन्ग टाइम के लिए यूज होते हैं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब ही होता है लॉन्ग टाइम के लिए। जो गुड्स, जिन चीज़ों का लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाता हो, तो उसे कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, आप घर में जो है वो टीवी कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, इवन आपके कुछ क्लोथ्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, सालों तक उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो एक दो दिनों में या एक आध हफ्ते महीने में ख़राब हो जाते हो, तो ऐसे कहलाते हैं पेरिशेबल गुड्स। खासकर खाने पीने की कोई भी चीज़ें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ऐसी चीज़ें पेरिशेबल कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें एक दो दिन में ये ख़राब हो जाते हैं। फूड है, मिल्क है, अगर आप इन्हें यूज़ ना करो तो एक दो दिन में ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये ऐसे सालों तक आप यूज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, पेरिशेबल गुड्स कहलाते हैं। और जिन्हें आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सको, तो वो कहलाते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर? अब ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल, ऐसा ही दूसरा टाइप आता है, वो आता है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स, ये भी नाम से क्लियर होता है कि प्राइवेट गुड्स वो कहलाते हैं कि जो गुड्स या जो चीज़ें कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप के पास हो, कोई एक अकेला इंसान या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई फैमिली हुई, कोई कंपनी हुई, उनके नाम पर कोई चीज़ें हो, तो उसे कहते हैं प्राइवेट गुड्स। जैसे जैसे आपके पास आपका मोबाइल, ये आपका प्राइवेट गुड कहलाया है, ये आपका ही है ना, ये हर कोई तो यूज़ नहीं करता, सिर्फ आपके पास है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कहलाए, इसलिए ये गुड्स क्या कहलाते हैं, प्राइवेट गुड्स कहलाते हैं, कि जिनकी ऑनरशिप किसी और के पास ना हो, उसका मालिक और कोई ना हो, जिसे और कोई यूज ना कर पाता हो, तो वो कहलाते हैं आपके प्राइवेट गुड्स। और दूसरा आता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो कहलाते हैं कि जिन जो सबके लिए अवेलेबल हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए अवेलेबल हो, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, कि जिन गुड्स या जिन चीज़ों का एक साथ सभी लोग यूज़ कर सकते हो, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। सही बात ना? जैसे कि पब्लिक गार्डन, ये पब्लिक हाउसिंग सोसाइटी,
ये पब्लिक गुड्स कहला है। पब्लिक गार्डन है तो उसमें पूरी पब्लिक के लिए कोई भी वहाँ पर आ सकता है, कोई भी वहाँ पर जो है ये बैठ सकता है, तो ये पब्लिक गुड्स कहला है, हर किसी के लिए है ये। वैसे ही किसी ने अपने घर में अपना पर्सनल गार्डन बना के रखा हो तो वहाँ पे सिटी में से कोई भी आकर वहाँ पे बैठ पाएगा। किसी ने घर के बाहर अपना पर्सनल गार्डन बनाया है तो वहाँ पर सिटी में से कोई भी आकर वहाँ पे आकर बैठ पाएगा ये नहीं। वो उसका प्राइवेट गुड्स कहलाया, वो उसका पर्सनल है, जिसका सब यूज़ नहीं कर पाते वो प्राइवेट गुड्स। वहीं कंपैरिजन में जैसे पब्लिक गार्डन की, जो जहाँ पर भी हो हर कोई उसका यूज़ कर पाता हो तो वो क्या कहलाता है, पब्लिक गुड्स कहलाए। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा आता है, वो आता है कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर गुड्स वो कहलाते हैं कि जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करता हो। जब कोई कंज्यूमर कोई भी गुड्स कंज्यूम करता हो, मतलब कोई भी गुड्स अगर यूज़ करता हो और उसकी नीड सेटिस्फाइड होती हो तो वो कहलाया उसके लिए कंज्यूमर गुड। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स मतलब शॉर्ट में अगर आपका हो कि डायरेक्टली तैयार कोई भी चीज़ है जिसका आप डायरेक्ट यूज़ कर पाओ, पूरी तरह से तैयार चीज़ें, फाइनली जो भी चीज़ें तैयार हो जिसका आप डायरेक्ट यूज़ करते हो, उसके ऊपर और कोई चीज़ आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि तैयार खाना, आप होटल में कोई तैयार खाना खाते हो तो आपको वहाँ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके हाथ में तैयार खाना होगा, सिर्फ आपको खाना खाना है, ये आपके लिए कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप बाहर से कोई टी शर्ट खरीद कर लाओ तो वो टी शर्ट आपके लिए कंज्यूमर गुड्स हो, क्योंकि आपको उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करनी है, आप डायरेक्टली वो टी शर्ट पहन कर अपनी नीड सेटिस्फाइड कर सकते हो, तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाए। और प्रोड्यूसर गुड्स वो कहलाता है, प्रोड्यूसर गुड्स वो कहलाता है कि जो गुड्स फाइनल कंडीशन में ना हो, या कहो इंटरमीडिएट स्टेज पे हो, फाइनल कंडीशन में ना हो, आधी कंडीशन में हो, कि जो कस्टमर उस चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके ऊपर कोई तरह की प्रोसेस करनी ज़रूरी हो, तो ऐसे गुड्स कहलाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है फिर आप लोग जो है उसका यूज़ कर पाते हो, तो उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स। शॉर्ट में कहो तो कंज्यूमर गुड्स वो कहलाते हैं जिनका आप डायरेक्ट यूज़ करते हो, कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, और प्रोड्यूसर्स गुड्स वो कहलाते हैं कि जिनके ऊपर पहले प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती हो, कोई भी तरह की प्रोसेस। जैसे एक दो एग्जांपल समझो, आपने बाहर से कोई शर्ट खरीदी है, तैयार शर्ट, और आप डायरेक्टली उसे पहनकर अपनी नीड सेटिस्फाई कर सकते हो, डायरेक्ट पहन लिया, उसके ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स कहलाया। लेकिन अगर बाहर से आपने कपड़ा ख़रीदा है तो पहले आप टेलर के पास जाकर उससे जो है वो ये शर्ट सिलवाओगे, फिर उसे पहनोगे, मतलब एक प्रोसेस करनी पड़ी फिर उसे भी जो है वो पहनाना, तो इसलिए बाहर से कपड़ा खरीदना वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। उसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ी, आपने डायरेक्टली उस कपड़े को नहीं पहना, समझे। या जैसे दूसरा एग्जांपल, आप बाहर से अगर कोई वेफर का पैकेट खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ भी खरीद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं करनी, पैकेट खोलकर डायरेक्टली आप वो वेफर खा सकते हो, कोई ऊपर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, इसलिए वो कहलाते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्टली जो जिसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बाहर से एक मैगी का पैकेट खरीदा है तो उसको आप पैकेट खोलकर डायरेक्टली नहीं खा सकते, बाहर से मैगी का पैकेट खरीदो सीधा तो उसे नहीं खा सकते ना, उसके ऊपर पहले प्रोसेस करनी पड़ेगी, 2 मिनट मैगी बनानी पड़ेगी फिर आप उसे खाओगे, तो जिसके ऊपर प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती हो तो वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स। क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स कैसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आज जैसे हमने गुड्स के बारे में भी समझा, गुड्स एंड सर्विस, प्राइस और वैल्यू के बारे में समझा, अब ऐसे ही इकोनॉमी के दूसरे जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।